जाना जाता है आज सुरेखा मैम के बाद अगर कोई एक शख्स के नीचे सबसे ज्यादा जीवीडीज हैं तो वो शख्स है प्रमोद आचार्य सर। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगा। जब मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया था, मुझे लगता है 4 महीने हुए थे, मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर था और उस वक्त कुछ उथल पुथल हुआ था। 2016 की बात बता रहा हूँ। कुछ हम लोगों के कुछ अप्लाइंस बिजनेस छोड़ के चले गए थे और मुझे आज भी याद है, मैं और राजेश दिल्ली के मेट्रो में सफर कर रहे थे और मेट्रो स्टेशन पे उतरे ही थे कि मैंने जस्ट राजेश से पूछा कि राजेश एक बात बता, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि तुम और रवीश जी भी अगर मोदी केयर ना करो और मुझे मोदी केयर करना हो तो मैं किसके पास जाऊंगा। तो उसने बोला सर एक ही नाम है और उस व्यक्ति का नाम है श्री प्रमोद आचार्य जी। और मैं बताऊं कि ये बात अभी हम मेट्रो में कर ही रहे थे और मेट्रो से निकलते ही राजेश याद होगा तुमको, हम लोग मेट्रो स्टेशन पे खड़े ही हुए प्लेटफॉर्म पे और राजेश के पास प्रमोद सर का फोन आया कि राजेश ऐसी ऐसी घटना सुन रहे, सही बात है क्या? मैंने उसी समय कहा चलो तुम तुरंत जल्दी से मुझे प्रमोद आचार्य सर का नंबर दो, मैं जानता नहीं था, हमने कहा पहले ही सेव कर लेना है। तो एक ऐसी शख्सियत जिसको पूरे हिंदुस्तान में ये माना जाता है कि मोदी केयर या प्रमोद आचार्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और वो सब कुछ इस कारण है कि क्वालिटी वाइज जो उनके अंदर जो लीडरशिप है वो तो है ही है, आज इस लीडरशिप का ही नमूना है कि आज उनकी 7 लेगें जीवीडी है। लेकिन उसके बावजूद बाई हार्ट एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, हमें हमेशा अपनापन फील होता है। मुझे हमेशा जब वो बोलते हैं, बात करते हैं, साथ खड़े रहते हैं तो मुझे हमेशा लगता है कि मेरे बड़े भाई हमारे साथ खड़े हैं। तो दोस्तों वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज एक ऐसे स्पीकर को सुनने को आपको मिलने जा रहा है जो जिंदगी में सिर्फ मोदी केयर के बारे में आपको सक्सेस होने की कहानी नहीं बताएंगे, आपको अपने जीवन में सफल होने की कहानी बताएंगे। हम जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे श्री प्रमोद आचार्य सर का। वेलकम सर, वेलकम टू दिस। थैंक यू आलोक, थैंक यू फॉर ए ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। और रमेश भैया नमस्कार, राजेश जी, उत्तम जी, ऑल ऑल मेरा थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, और राकेश भाई नमस्कार। ओके तो दोस्तों अब सबसे पहले माफी मांगना चाहूंगा कि मेरे वजह से आप लोग का आधा घंटा टाइम बर्बाद हुआ। चलिए दोस्तों, जिंदगी में कोई भी चीज, कोई अच्छा चीज शुरू होने से पहले थोड़ा तकलीफ आता है, जिंदगी के हिसाब है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। अजीत सेठ अनुप जी, मेरा नाम प्रमोद आचार्य, मैंने आप लोग की तरह के मोदी कर कंसल्टेंट हूँ। करीबन 22 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था मोदी कर में। उससे पहले मैं एक्चुअली मोदी कर मेरा बिजनेस नंबर 33 है। उससे पहले एग्जैक्टली मेरा पास दो तीन बिजनेस था एग्जैक्टली, एक था ऑटो पार्ट्स दुकान और एक था LIC एजेंसी, और रात को चला रहा था फास्ट फूड बिजनेस, यानी कि चिली चिकन पकौड़ा, चिकन एग रोल, ये सब बिजनेस करता था। तो दोस्तों मेरा जो बिजनेस था मोदी कर से पहले, यानी कि 22 साल पहले, मैं कमाता था सिर्फ 17 से 18 हजार रुपया और रोज में मेहनत करता था 15 से 16 घंटा। तो अभी सवाल है कि मैं क्यों ज्वाइन किया मोदी कर बिजनेस में। एक्चुअल जिंदगी में बिजनेस जब शुरू किया था 24-25 साल उम्र में, तब मैं अमीर होने का चक्कर में बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था, वहां मैं फंस गया कर्जा में, यानी कि करीबन 37 साल पहले मैं कर्जा में फंस गया था। बहुत कोशिश किया कर्जा से निकलने के लिए मगर निकल नहीं सका। और यूं समझ लीजिए मोदी कर से पहले मैं एक फेल्योर बिजनेसमैन था, मेरा जिंदगी की हालत कंप्लीटली बुरा था। अगर मैं मेरा फैमिली के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, माई फादर वॉज एन इंजीनियर, वो चाहते थे मुझे इंजीनियर बनाने के लिए और मैं भी चाहता था इंजीनियर बनने के लिए। मगर जब मैं क्लास 8 में था तब मुझे उम्र था 13 साल, 13 साल उम्र में मेरा समझ में आ गया था मेरा पिताजी इंजीनियर होते हुए भी परिवार चलाना मुश्किल होता है। वजह यह था कमाने वाले थे सिर्फ पिताजी, मेरी दादी माँ, माँ, मैं अकेला के बेटा हूँ, मेरा नीचे 8 बहन है और मेरा दो कजिन, फूफा और मौसा एक्सपायर्ड कर गए थे, उनका 4 बच्चे हमारे घर में थे। तो कुल मिलाकर हम लोग 16 लोग, कमाने वाला पिताजी अकेला, जमीन जायदाद कुछ नहीं था। तो जब मैं देखा कि परिवार चलाना पिताजी मुश्किल होता है, तो दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड टू गो फॉर बिजनेस। तो मैं बिजनेस करके काफी पैसा कमाऊंगा, ये मेरा क्लास 8 की सोच था। उसके बाद पढ़ाई में इंटरेस्ट चला गया, मैं ग्रेजुएट बना, मगर हर एग्जाम में कॉपी करके ग्रेजुएट बना, मैट्रिक कॉपी किया, इंटरमीडिएट कॉपी किया और ग्रेजुएशन कॉपी करके ग्रेजुएट बना। मैं अच्छा स्टूडेंट भी नहीं हूँ। और दोस्तों उसके बाद मैंने जो टारगेट था ना बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो पहले से पहला पहला बिजनेस ही फंस गया मैंने, और गलती मेरा था, मेरा लालच की वजह से मैं फंस गया। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों, जो मैं गलती मैंने किया था, कभी जिंदगी में कभी भी नहीं सोचना आप लोग
कि रात रात अमीर बनने के लिए, रातों रात अमीर बनने का चक्कर में लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाते हैं। एनीवे, तो मैं हालत मेरा ऐसे बुरा हुआ जब मेरे कर्जा में था, हालत मेरा ऐसे बुरा हुआ, मुझे ऐसा दिन देखना पड़ा। बहुत बार मुझे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन मेरा तबियत खराब था, मैं उस टाइम बात बोलता हूँ, घर में कुछ नहीं था खाने के लिए भी। उसी टाइम बात मेरा बड़ी बेटी की तबियत खराब हुआ, उसकी इलाज के लिए मैं पैसा जुगाड़ कर नहीं सका, उनका दवाई के लिए मैं पैसा जुगाड़ कर नहीं सका, आखिर वो चल बसी। वो चले जाने के बाद मेरी बेबी मेंटल डिप्रेशन में आ गई। यही समझ लीजिए मेरी बेबी 15 साल तक मेंटल डिप्रेशन में थी। उसका कुछ दिनों के बाद मेरा पिताजी का तबियत खराब हुआ, उनका मैं इलाज करा नहीं सका, वो भी दुनिया छोड़ के चला गया। मेरा अभी वो दिन याद है, पिताजी का लाश जलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, फिर था 42 रुपया पिताजी की लाश जलाने का टाइम में। जब पिताजी गुजर गए, मेरा परिवार में बोझ आया, मेरा नीचे 8 बहन थे, उनका पढ़ाई, उनका शादी की जिम्मेदारी, तब तक मेरा और एक बेटा और बेटी हो गए थे। मेरा समझ में नहीं आया कि कैसे मैं परिवार चलाऊंगा। तब मेरा इनकम था सिर्फ 500 रुपया, पिताजी गुजर जाने का टाइम, तब मेरा इनकम था 500 रुपया, आई एम टॉकिंग अबाउट 30 years before। तो उसके बाद मैंने यहां तक मुझे देखना पड़ा। मैं जब जाता था ना सब्जी खरीद करने के लिए दोस्तों, 20 पैसा 50 पैसा के लिए मैं बार्गेन करता था। मेरा स्कूल की बच्चे की ड्यूज, स्कूल ड्यूज मैं हमेशा फाइन रेट में देता था, घर की किराया सही टाइम पर नहीं देता था। मैं ट्रेन में जनरल क्लास में कभी 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 स्लीपर क्लास में ट्रेवल करता था। घर में जब टूथपेस्ट खत्म हो जाता था दोस्तों, मेरा अभी भी याद है, टूथपेस्ट खरीद करने के पास में पैसा नहीं होता था, मैं टूथपेस्ट ट्यूब को दबा दबा के थोड़ा निकल के दाम घसते थे हम लोग। 6 महीना तक मैंने साबुन खरीद करने के पास में पैसा नहीं था, शैम्पू का पाउच लाके हम लोग सर पे और बदन पे लगाते थे, इससे मेरा जिंदगी चलता था। और एक दिन दोस्तों मैं तो आपको बता दूं कि मैं 2.5 दिन तक भूखा था, एक दिन वो भूख संभाल लिया, और एक दिन मेरा बीबी बच्चे को खिलाने के लिए पास पैसा नहीं था। तो दैट आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, मैंने डिसाइड किया कि मैं सुसाइड करूंगा, और सुसाइड करने की मैं अटेम्प्ट भी किया। और दोस्तों सुसाइड भी कर नहीं सका, फिर वहां से वापस आया, सोचा करूंगा क्या, देन आई स्टार्टेड LIS एजेंसी। वहां बहुत बढ़िया किया, मगर तो प्रॉब्लम वाज इनिशियल इतना इनकम नहीं आता था LIS एजेंसी में। तो मैंने रात को फास्ट फूड बिजनेस किया। उस टाइम जो बात बता रहा था ना कि एग्जैक्टली 22 साल पहले मेरा इनकम था 17-18 हज़ार, और मेरा फैमिली की जरूरत था 22 साल पहले 56 हज़ार रुपये की, क्योंकि कर्जा चुकाना, बहनों की पढ़ाना, शादी करना, मेरा बच्चों की पढ़ाई शादी, हिसाब किया था मंथली 56,000। तो सोच है कि दोस्तों इतना मेहनत करने के बाद मैं थक चुका था, भरोसा टूट भी गया था कि मैं कुछ कर सकूंगा। मैं हमेशा भगवान को प्रे करता था, भगवान मुझे एक मौका दो, एक मंथली चांस दो। एक दिन मैं गया था LIC पॉलिसी करने के लिए, वहाँ मेरा ऑफलाइन साथ मुलाकात हुआ। वो मुझे बोलने लगे कि एक बढ़िया बिजनेस से अगर पार्ट टाइम में करेंगे लाखों का इनकम होगा। उनका बात मुझे सुनकर अविश्वास लगा। द रीजन बिंग, मैंने 15-16 घंटा मेहनत करके कमाता था 17-18 हज़ार, वो जो बोले ना पार्ट टाइम में होगा, मेरा अविश्वास लगा मुझे। तो मुझे फिर मैं मन में सोचा कि छोड़ो यार, वो तो अपनी फायदे के लिए बात करता है, मैं मेरा पॉलिसी करके ले जाऊंगा, मुझे 50 से 100 रुपया कमीशन मिलेगा, यही सोच था मेरा दिमाग में। इमीडिएटली वो फिर बताए कि सर ये बिजनेस आप ही कर सकते हो, आप कमा सकते हो लाखों में। एक्चुअल दैट पर्टिकुलर सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जिंदगी इतना फेलोर था, मुझे कोई कभी नहीं बोले थे कि तू लाखों में कमाएगा। फिर मैंने पूछा कि ठीक है बोलो भाई कैसे होगा। उनका ये कहना था कि तुम्हारा घर में वॉशिंग पाउडर यूज करता हूँ, बोला करता हूँ। ना कहाँ से लाते हो तुम, मैंने बोला दुकान से। ना कब तक लाएगा, बोला जिंदगी भर लाऊंगा। ना तुम जहां से भी लाओ वॉशिंग पाउडर, वो सिर्फ तुम्हारा कपड़ा साफ करेगा, और ये है मोदी करके वॉशिंग पाउडर, कपड़ा भी साफ करेगा, लाखों का इनकम देगा, घर गाड़ी सब कुछ देगा। दोस्तों उनका बात सुनकर मुझे अविश्वास लगा, क्योंकि तब तक मुझे मालूम था वॉशिंग पाउडर सिर्फ कपड़ा साफ करता है, लाखों का इनकम देता है, मेरा समझ में नहीं था। मगर पैकेट की जो पैकेजिंग था मुझे अच्छा लगा। मैंने पूछा कि अगर प्रोडक्ट खराब पड़ा तो क्या होगा फिर, ना तुम थोड़ा वापस कर, थोड़ा यूज करके वापस कर, पूरा पैसा ले लेना। वो भी मुझे अविश्वास लगा था। वो मुझे दिखा कि कंपनी का मालिक लिखे कि प्रोडक्ट यूज कर अच्छा लगा तो वापस कर पैसा ले लेना। तब मुझे पता चला कि ये मोदी केयर के नाम, सॉरी मोदी ग्रुप ऑफ कंपनी नाम सुना था, मोदी जेरॉक्स के नाम सुना था। तो मुझे मालूम था कंपनी के बारे में कि क्वालिटी अच्छा बनाता है मोदी ग्रुप कंपनी। तो देन आई वांटेड टू नो व्हाट द बिजनेस इज, देन वो बताया कि मुझे कुछ मालूम नहीं, उसका सीनियर के पास लेके गया। मैं 2 घंटा समझा प्लान को, 2 hours। जब मैं प्लान समझ गया दोस्तों, इमीडिएटली आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। वो दिन था मेरा जिंदगी टर्निंग पॉइंट। देन आई केप्ट ऑन वर्किंग, मुझे ट्रेनिंग तो कुछ लेना पड़ा, और ट्रेनिंग लिया, और जो मुझे क्या क्या मिला मैं तो बाद में बताऊंगा। मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या मुझे ट्रेनिंग लेना पड़ा, और मैं क्या सुना, एग्जैक्टली मैं क्या सुना था, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग करूंगा।
तो मुझे, मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि उस दिन मुझे क्या क्या बोला गया था और मैं क्या क्या किया था। मुझे बोला गया कि कंज्यूमर बनेगा तो तुमको डिस्काउंट मिलेगा 10-20%, मगर अभी तो आप लोग लकी हो। यस सर, अभी तो आप लोग लकी हो, 10-50% तो हमको फायदा भी मिल सकता है सर। बताया था 60% गारंटी मिलेगा। ओके, मुझे अभी बोला गया था कि बच्चों को अच्छा से तुम पढ़ा सकते हो, अच्छा मकान हो सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ी चला सकते हो, बेटा बेटी का शादी धूमधाम में कर सकते हो, फ्लाइट में घूम सकते हो, कर्जा भी चुका सकते हो। जब मैं सुना कर्जा की बात ना, मेरे मुझे ज्यादा टच कर लिया कि मेरे जो कर्जा में फंसा हुआ था, कर्जा चुकाने के लिए मैं आया था। फिर बताया कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा और फिनेंस और सिक्योरिटी बनेगा, अच्छा कैरियर भी बनेगा और पैसिव इनकम मिलेगा। दोस्तों पैसिव इनकम के बारे में समझाए थे मुझे, 2-4 साल काम करो, उसके बाद काम नहीं करेंगे तो जिंदगी भर पैसा मिल सकता है, जब तुम दुनिया छोड़ के जाएगा तब तुम्हारा परिवार को मिल सकता है पैसा। ये बात मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था, बट उनका कहना था कि पैसिव इनकम मिलेगा यहाँ। फिर मुझे पूछे थे, मुझे बताया कि इसमें तुम सब कुछ तुमको पा सकता है, क्या तुम इसको पाना चाहते हो? मैं बोला हाँ इसको पाना चाहता हूँ। तो फिर उस बात बताया, अरे यार फिर कोई, फिर बताया कि देखो तुमको पहले समझना है कि तुमको काम क्या करना पड़ेगा। मैंने ठीक, मैंने बोला कि ठीक है बताओ क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो उनका यह कहना था सबसे पहले तुमको एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर बनना है। मैंने बोला अरे यार, सबसे उनका कहना था कि तुमको रजिस्टर्ड कंज्यूमर बनना है। मैंने पूछा कि रजिस्टर्ड कंज्यूमर कैसे बनूंगा, ना 1250 रुपए की जरूरत है, तब तो पास में पैसा नहीं था, मगर मेंटली प्रिपेयर हुआ कि मैं कहीं ना कहीं उधार ले आऊंगा। उसके बाद उनको कहना था तुमको कुछ कंज्यूमर क्रिएट कराना है, अगर तुमको प्रोडक्ट अच्छा लगा कुछ कंज्यूमर क्रिएट कराना है, अगर उनको पूछ लेना, उनको अगर पैसा चाहिए उनको भी बोलना, वो भी कुछ कंज्यूमर क्रिएट कराएंगे। ऐसे अगर करेंगे तो तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। मुझे दोबारा समझाया कि तुमको सबसे पहला काम है रजिस्टर्ड कंज्यूमर बनना है, नंबर 2 काम है कुछ लोगों का कंज्यूमर बनाना है, और उनको पूछना अगर उनका पैसा जरूरत है वो भी कुछ कंज्यूमर बनाएंगे। दोस्तों ये सब तो आप जानते हो, जो आप सुने थे आपको अपलाइन बोले थे, मेरा अपलाइन वही बोला था। फिर बोले क्या मानो कि तुम हो, तुम 10 कंज्यूमर ला सकते हैं? बोला ला सकता। उसके बाद उनका कहना था अगर उन्होंने 10-10 कंज्यूमर लाएंगे तुम्हारा 100 आदमी हो जाएंगे। मैंने बोला कि सर मैं तो ले आऊंगा गारंटी, हमारे उन्होंने लाएंगे क्या गारंटी है? मेरा अपलाइन का कहना था वो लाएंगे नहीं आएंगे अलग बात है, पहले समझ में क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है बोलने लगे, फिर बोले कि 100 अगर 10 लाएं कितना होंगे? मैंने बोला हो जाएंगे 1000। फिर बोलेंगे हो जाएंगे 10,000। फिर बताने लगे कि 1 लाख होगा अगर उन्होंने 10-10 लोग लाएंगे तो। मगर यहाँ में ऑब्जेक्शन क्या था, स्टेट पर चलेगा पूरी हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा 6 महीने में। उनका कहना था कि प्रमोद ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरी है, यहाँ कभी कैसे नहीं हुआ है कि आप 10 लोगों देंगे, उन्होंने 10-10 देंगे, उनका 10 आएगा, कहीं दुनिया में हुआ नहीं, कि कभी होगा भी नहीं। और उनका कहना था कुछ लोग आएंगे कुछ लोग करेंगे नहीं, कुछ लोग 5 आदमी कंज्यूमर क्रिएट कराएंगे, कोई 50 कराएगा, कोई 2 कराएगा, कोई बिल्कुल नहीं कराएगा, कोई काम छोड़ के चला जाएगा, मगर इस तरह बढ़ेगा। जब बढ़ेगा, तुम यहाँ भुवनेश्वर में हो, माने कि तुम किसका कोई दोस्त को ज्वाइन करा लिया, वो कालकाटा में नौकरी किया है, वो कालकाटा में किसी को ज्वाइन कराएगा, और कालकाटा वाला का रिश्तेदार कोई रहता है दिल्ली में किसको इंट्रोड्यूस कराएगा, दिल्ली वाला को दोस्त को इंट्रोड्यूस कराएगा बैंगलोर में। इस तरह तुम्हारा पूरी दुनिया में बिजनेस चलेगा, इंडिया की बिजनेस चलेगा, जितना सेल होगा उसका तुम कमीशन कमाएगा। ये सब आप जानते हो, मगर मेरा, मैं आज आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, वो और एक सेंटेंस आड़ के उसमें वो बताए, मानो कि तुम्हारा 1 लाख लोग हो गए और हर इंसान हर महीना 1000 की प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो तुम्हारा 10 करोड़ की सेल हो सकता है। अगर 1 लाख लोग 2-2 हजार की प्रोडक्ट यूज करते तो 20 करोड़ की हो सकता है सेल, अगर 3-3 हजार की प्रोडक्ट यूज करते तो 30 करोड़ की सेल हो सकता है। दोस्तों ये बात सब मेरा समझ में नहीं आया, मुझे बिल्कुल नहीं लगा, 0% नहीं लगा कि 1 लाख लोगों के 10 करोड़ सेल होगा। दोस्तों आज खुशी लगता है बताने के लिए, आज मेरा 15 से 16 करोड़ सेल है, मतलब लॉकडाउन के टाइम। एनीवे ये सुनने के बाद मैंने पूछा भाई मुझे सक्सेस कैसे मिलेगा, बोलो। वो बोले कि तुमको ट्रेनिंग लाना है, ट्रेनिंग। मैं बोला ठीक है मैं ट्रेनिंग लूंगा बताओ। फिर उनका कहना था ठीक है, उनको बताया तुमको ट्रेनिंग लेना है, और मुझे एक स्लाइड दिखाए थे, मुझे एक स्लाइड दिखाए थे कि एक बंदर एक रिक्शा चला रहा है, एक तोता साइकिल चला रहा है, और एक कुत्ता साइकिल चला रहा है। उनका यह कहना था अगर एक बंदर
ट्रेनिंग ले लेके साइकिल रिक्शा चला सकता है, अगर तोता ट्रेनिंग ले लेके रिक्शा चला सकता है, साइकिल चला सकता है, अगर कुत्ता भी साइकिल चला सकता है ट्रेनिंग ले लेके, तो जो भी इंसान ट्रेनिंग लेगा वो भी जो चाहेगा करने के लिए कर सकता है। दोस्तों उसका बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी ट्रेनिंग लेने का तैयार हो गया। ट्रेनिंग मैंने क्या किया बताना चाहता हूँ आप लोग को, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कंप्लीटली माने फील्ड को उतरने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग मैंने सुना, मोदी का प्रोफाइल क्या डिटेल से समझा, प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखा, ऑफर जो था उस टाइम वो भी समझा, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान कंप्लीट में समझ लिया कंप्लीटली। उसके बाद मैंने फिर सक्सेस स्टोरी मुझे मेरा अपलाइन बताए थे कि देखो तुमको सक्सेस स्टोरी भी, तुमको सक्सेस स्टोरी लोगों की पढ़ना है। ये कॉन्टेक्ट, ये जो मैगजीन आप लोग देखते होंगे, मैं पता नहीं तुम लोग के बीच में कितना लोग खरीद किए होंगे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा गीता है, बाइबल है, यही कुरान है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। मैं देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे ये जो भी मैगजीन आता है ना, मैं लोगों की स्टोरी पढ़ता हूँ, लोगों के बारे में पढ़ता हूँ, इसको जो आप किसका बारे में पूछा मैं उसका बारे में थोड़ी बहुत आइडिया दे सकता हूँ कि एक एक स्टोरी में पढ़ चुका हूँ, इसको हर एक स्टोरी पढ़ चुका हूँ, कहीं अंडरलाइन लगाए हो, हर जगह में आपको दिखा देता हूँ ना। यस सर। ओके, यहाँ देखो सब हाईलाइट करके रखा हूँ मैंने। वाओ, कितना कोई आदमी इनकम करता है, ये क्या करता हूँ ना, मेरा लोगों को पढ़ाता हूँ, बड़ी कभी 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 पढ़ाता हूँ मेरे लोगों को। मैं अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये देखो ये राकेश का फोटो है। राकेश तो आपकी नाम है ना अनु? हाँ राकेश, ये तुम लोग के नाम लिखा है, ये लिखा है। थैंक यू। परिवार चलाना मुश्किल था, परिवार की बर्डन बर्डन मेरा था, स्कूल फीस बच्चों के देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। तो दोस्तों मुझे लगा यार अगर ये आदमी 2016 से ज्वाइन करके 2019 में जिपडी बन सकता है तो बहुत सारे लोग बन सकते हैं। थैंक यू सर। आप लोग बताना चाहता हूँ मैं क्या करता हूँ, हर स्टोरी में पढ़ा, जब स्टोरी में पढ़ा मैंने देखा ये एक लेडी थी जो लिखा था कि मुझे 2 महीना में मेरा इनकम हुआ 30,000। मुझे लगा अगर वो लेडी कर सकती है तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। फिर मैंने देखा सुरेखा जी का, फिर देखा कि मैगजीन, वहां मैंने देखा सुरेखा जी लिखे थे कि पहला मंथ की इनकम था 167 और 1.5 साल के बाद उनका इनकम हुआ था 1,53,235 रुपया। तो 1,53,235 का चेक देखने के बाद मुझे लगा अगर वो मैडम कर सकते हो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज हर एक स्टोरी आपको पढ़ना, अगर इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता है, अगर इंग्लिश भी समझ में नहीं आता है दोस्तों, किसका पास में बैठ के उसको एक स्टोरी बोलो कि मुझे समझाओ, हो सकता है वो आदमी पढ़ के वो भी एक्साइटेड हो सकता है दोस्तों। ग्रेट सर। तो दोस्तों मैं दोबारा कोशिश करता हूँ स्लाइड को शेयर करने के लिए। हाँ प्लीज सर। कितना बार भगवान काम लेगा, आखिर भगवान हार जाएगा मगर हमको तो हारना नहीं है। अभी नहीं दिखाता हूँ, दिखाता हूँ अभी नहीं दिखाता। ओके आ गया ना? यस। लिखा क्या दिखाता है अनुत्तर पढ़ लो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री व्हिच ट्रेनिंग आई टुक मोदी केयर प्रोफाइल प्रोडक्ट्स इट्स क्वालिटी। ओके ओके वेरी नाइस राइट। मैं ये जो नेटवर्क मार्केटिंग और मोदी केयर के प्रोफाइल के बारे में पढ़ने के बाद ना बिलीवेबल आ गया मेरा। जब प्रोडक्ट की मैं यूज किया कंज्यूमर बनाने का हिम्मत आ गया मेरे। जब मैं सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में देखा, मैं पहला दिन से टारगेट लिया था कि मुझे टॉप खाना, अभी तो जीबीडी है ना, वो जमाना था रायबहादुर गुजरवाल मोदी और जहां था 25 लाख। दोस्तों मैं ज्वाइन करने का नेक्स्ट डे ऐसे के मिला था, जैसे किताब मिला था तब मैं उसको पढ़ के प्लान समझा और मैंने कसम लिया कि day 1 से मैं ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि जो ज्वाइन करने के लिए 1250 जरूरत पड़ता था, मेरा पैसा नहीं था, मैं उधारी लाके मेरा LIC डीओ से ज्वाइन करने के मुझे 7 दिन लगा था। मगर 7 दिन पहले मार्केटिंग प्लान सिर्फ लीडरशिप, तब का जो लीडरशिप बोनस था कैलकुलेशन नहीं सीखा था, बाकी सब सीख लिया था। सक्सेस स्टोरी मैगजीन जो था पढ़ लिया था। पैसिव इनकम कैसे आएगा वो सर, आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अभी आवाज ठीक है? यस सर। ओके सर। तो मैंने फिर उसके बाद वर्किंग ऑफिस, मतलब मैं जब जाऊंगा प्लान दिखाने के लिए, मेरा ब्याज में क्या क्या रहेगा
वो ब्याज में तैयार कर लिया, इतना चीज में करने के बाद जाके फील्ड को निकला। वाओ, यहाँ क्या लिखा गया अनुप? Where there is a will, there is a way. मुझे मेरा अपलाइन बोले थे मुझे फील्ड को छोड़ने से पहले, मेरा अपलाइन तो बिल्कुल नया थे, उनके अपलाइन तो थे मिस्टर नायक, वो आज दुनिया में नहीं है, तो वो मुझे बताए थे कि अगर तुम्हारे पास इरादा है ना तुमको रास्ता मिलेगा। पहले मुझे बताए थे कुछ स्टैट्यूटरी वार्निंग मुझे बताए थे, पहला उनका कहना था मेक श्योर दैट, अनुप दिखा देता ना लिखा गया, यस सर मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड टू यू। इसका मतलब ये है उनको बोले पहले समझ रहे कि बिजनेस क्या है, ये कोई 5000 10000 50000 की बिजनेस नहीं है, 5 लाख 50 लाख भी बिजनेस नहीं है, ये करोड़ की बिजनेस है। ये बिजनेस करते हैं हिंदुस्तान की बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे बिजनेस को, और जो टॉप टॉप थे वो जो किताब में लिखा गया था टॉप थे 5600 करोड़ था मोदी ग्रुप कंपनी 22 साल पहले, जो आज 63000 करोड़ में है, राइट। वो बोले कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल वो बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ जिंदगी बनेगा, घर गाड़ी पैसा होगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फास्ट। फिर उनका कहना था डोंट बी मिसलीड बाई क्लेम दैट हाई अर्निंग्स आर इजीली अचीव्ड। अगर तुम्हें कोई बोलता है ना बड़ा बड़ा इनकम आसानी से आएगा तो बिल्कुल झूठ है, आसानी से नहीं आएगा, उसके लिए मेहनत लगेगा। फिर उनका कहना था इनिशियल अर्निंग्स में बी लेस देन एफर्ट्स यू पुट इन बट इन फ्यूचर इट मल्टीप्लाइड, यानी कि शुरुआत में इनकम नहीं आएगा, अगर आएगा तो बहुत छोटा इनकम आएगा, मगर काम जब करते चलेगा जिंदगी बदल जाएगा, 2-4 साल के बाद तुम्हारा इनकम इतना फैलेगा। और मुझे बताया कि आम के पेड़ के बारे में, बोले कि आम के पेड़ भी लगा दो कुछ फल नहीं देगा, 1 साल को दिखाई नहीं देगा, 2-3 साल कुछ नहीं आएगा, तो उसके बाद जो आम जब फलना शुरू होगा ना वो तुमको पूछ के नहीं फलेगा, वो हजार में फलेगा ना। तो उसके बाद उनका कहना था बहुत कुछ तो बताया था मोदी के बारे में, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, स्क्रीन आपके सामने है। Success stories. Wow, great, superb. ये देखो ये कंपनी का सक्सेस स्टोरी, जो मैं कंपनी के 22 साल पहले ज्वाइन किया था सुन के, यही कंपनी का स्टोरी आज 30 लाख लोग एक्टिव कंज्यूमर है, 5 लाख चेक ऑनर है, 120 जीबीडी है, 3200 कार अचीवर्स है, 28 लीडर ऐसा है जो 50 लाख से 1.5 करोड़ का कार चलाते हैं। यस, मैं जब ज्वाइन किया था सिर्फ था 7 प्रोडक्ट, अभी 11 कैटेगरी का प्रोडक्ट है, 450 प्रोडक्ट जो आप जानते हो, 7000 डीपी है, 50 मोदी का ऑफिस, 1300 करोड़ से ज्यादा हुआ है सेल इस साल, मेनी पीपल आर सक्सेसफुल। तो मेरा ही मानना है दोस्तों, आज मैं गर्व के साथ बताना चाहता हूँ, एक इंसान चाहे पढ़े लिखे हो ना हो, गरीब हो अमीर हो, अगर उनके पास चाहत है ना ये दुनिया में सब कुछ चीज हासिल कर सकता है। मैं अभी मेरा स्टोरी बताना चाहता हूँ क्योंकि ये बिजनेस सच में क्या क्या दे सकते हैं बताना चाहता हूँ। ये क्या दिखाई देता अनुप? In 1985, my life was ordinary. ये जो ब्लैक पैंट व्हाइट हाफ शर्ट जहाँ रेड कलर की आवाज दे पहचान गए सर। हाँ, ये मेरा पांव को देखो, पांव में चप्पल पहना था। Oh my God. मेरा दोस्त पहनता था चप्पल, मेरा सर्कल ऐसा था, ऐसे मत सोचना कि मोटरसाइकिल हमारा है, हम लोग मांग के लाए थे फोटो उठाने के लिए, यही था मेरा जिंदगी 1985 में। Wow. क्या क्या दिखता है? मैम है। हाँ, ये मेरा बीबी है, बेटा है, ये 1988 की फोटो मैंने नहीं उठाया था, मेरा पड़ोस की दया से उठा था, उस दिन मेरा हालत इतना बुरा था दोस्तों, मेरा बीबी बच्चे को खिलाने के लिए पहनाने के लिए मेरा पास पैसा नहीं था। ये 1998 की ये स्क्रीन दिखाई देता है, 1998। हाँ, ये जो स्काई कलर पैंट व्हाइट शर्ट जहाँ 11 मार्क दिया गया रेड कलर की, वो मेरा फोटो है। मैं मोदी कर को आने से पहले रात को शाम को 4-5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक यहाँ 10-12 स्टाफ रखकर बिजनेस कर रहा था मैंने। ये गवर्नमेंट की एक दुकान है मगर रोड साइड में था, राइट, यही मैं बिजनेस करता था मोदी कर आने से पहले। फिर जब मोदी कर के बारे में सुना, ये सुना था कि 1.5 से 2.5 साल के बीच फॉरेन एंट्री मिल सकता है दोस्तों, ये एग्जैक्टली 1 साल 7 महीने मैंने क्वालिफाई किया फॉरेन ट्रिप के लिए, पहली बार फ्लाइट में बैठा, सीट पे बैठा। ये अभी मेरा 22 साल हो गया, 22 साल में 22 बार जा सकता है, जा चुका है, 17 कंट्री हुआ है मेरा, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, टर्की, मॉस्को, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना, वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया, दुबई और लंदन, इतना कंट्री घूम के आ चुका, कोई के कंट्री 2-3 बार हो चुका है। मुझे मौका मिला था रवीश भाई और अनुप जी और राजेश जी, इनका साथ मौका मिला था मुझे लंदन जाने के लिए, उन्होंने भी लंदन गए थे। अनुप तुम भी था ना लंदन ट्रिप में? यस सर, यस सर। या मुझे मौका मिला था आपकी ऑफलाइन के साथ जाने के लिए, और तब हेलीकॉप्टर घूमने के लिए मौका मिला था अपना सिटी के ऊपर, लंदन सिटी के ऊपर। यह है बिजनेस क्लास के ट्रैवल।
दोस्तों बस यही आइडिया आपको देना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी कंट्री आप गूगल में सर्च कर सकते हो, कोई भी कंट्री चाहे इकोनॉमिक क्लास में जाते हैं, मानो कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गए, मानो कि इकोनॉमिक क्लास का टिकट है 50,000, बिजनेस क्लास में होता है 1,80,000, 2,00,000, 2,15,000, तो मैं 2002 से लेकर अभी तक, ये 17 साल हो गया, 17-18 साल हो गया, मैं जब भी जाता हूँ अब्रॉड, मैं बिजनेस क्लास में ट्रेवल करता हूँ मेरा परिवार के साथ, मान सम्मान तो लोगों के प्यार ये तो मिलते रहते हमारा बिजनेस में, और मैगजीन की कवर पेज में 2-2 बार फोटो भी निकल चुका था। सुना था कि 2 से 4 साल कोई काम करे तो कार मिलेगा, ये देखते हैं ना अनुप कार का फोटो, यस यू कैन, या यस, मैं कभी भी लोगों को बोलता था काम करो तो 2 से 4 साल तक कार मिल जाएगा। दोस्तों ये था मेरा पहला कार, ये होता है मेरा सेकंड गाड़ी ओपन जीप। ये ओपन जीप मेरा सपना था क्लास 4 में जब पढ़ता था, फिरोज खान करके हिंदी फिल्म हीरो थे, मैं जब भी उनका पिक्चर देखता था वो ओपन जीप में आते थे, तभी से मेरा सपना बना हुआ था, जो सपना मेरा मोदी कर पूरा किया। Wow. ये भी हुआ सेकंड गाड़ी, थर्ड गाड़ी होंडा सिटी, फोर्थ गाड़ी यन, फिफ्थ गाड़ी क्रूज, सिक्स्थ गाड़ी ई क्लास मर्सिडीज। दोस्तों मैं थोड़ा आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यही इंसान जो 2.5 दिन तक भूखा था, जो अपनी बेटी की जान बचाने के पास में पैसा नहीं था, जो पिताजी का इलाज करा नहीं सका, पिताजी की लाश जलाने के पास में पैसा नहीं था, जो इंसान सुसाइड करने के गया था, वो इंसान को मोदी केयर वहां से उठा के लेके यहाँ पहुंचा दिया दोस्तों। सुपर सर। तो ये है हाँ मेरा सिक्स्थ गाड़ी, ये मेरा सेवेंथ गाड़ी, मेरा बेटा, मेरा बीबी, दोस्तों हिसाब कर लो 22 साल में 7 गाड़ी पापा। और 22 बार फॉरेन ट्रिप। एक मिनट All respected GVDs, please अपने आप को म्यूट कर दें। अनु भाई क्या दिखा था स्क्रीन में? सर 1983 आई वाज स्टेइंग इन रेंटेड हाउस। हां यही घर में मैं रहता था, घर की किराए में 3 महीने के लिए नहीं दिया था, मुझे घर से निकाला दिया गया था, और तभी कसम लिया था कि एक ना एक दिन मैं मकान बनाऊंगा भुवनेश्वर में। दोस्तों ये जो स्क्रीन में आता है ना, लास्ट लाइन को देखिए, नीचे लाइन में जो बीच में घर है, ये मेरा 4 बेडरूम हाउस है, एक सर्वेंट क्वार्टर है, पूजा हॉल भी, बहुत बड़ी बालकनी भी है, मैं यहाँ रहता हूँ अभी। वाओ। दो ड्राइंग रूम दिखा गया, एक नीचे वाला जहाँ टीवी लगा हुआ, नीचे वाला ड्राइंग रूम, जब ऊपर को जाएंगे फर्स्ट फ्लोर ये ड्राइंग रूम मिलेगा, जब वहां बैठ के ब्लू कलर स्क्रीन खोलेंगे आपको ऊपर में दिखेगा फाउंटेन दिखेगा, छत के ऊपर जाएंगे झूला मिलेगा, आर्म चेयर मिलेगा, छोटा सा स्विमिंग पूल मिलेगा, और एक छोटा सा जिम भी मिलेगा आपको। ये मेरा पहला हाउस है, ये मेरा सेकंड हाउस है, यहाँ का फ्लैट लिया मैंने, ये मेरा थर्ड हाउस है, मेरे माँ को गिफ्ट किया मैं 2018 में, क्योंकि पिता जो कई सालों से गुजर चुके थे, माँ की सपना था, ये मेरा थर्ड हाउस माँ को गिफ्ट किया मैं 2018 में, दिसंबर 2018 में, यानी कि माँ को जब गिफ्ट दिया उनका 7 महीने के बाद मेरा फोर्थ हाउस लिया, ये घर में ले चुका हूँ, अभी इंटीरियर काम चलता है। ये घर में क्या क्या है बताना चाहता हूँ, ये घर में रूम है 3 सर्वेंट के लिए, 3 नौकर एक में जगह है, पार्किंग 3 गाड़ी का, 4 बेडरूम है, 4 लॉबी है, 1 ऑफिस रूम है, इंडिविजुअल लिफ्ट है, लॉन है, फिर सोसाइटी का स्विमिंग पूल, जिम एंड कॉन्फ्रेंस हॉल है। ये क्या दिखा देता हूँ, 220 रुपया फर्स्ट चेक। ये मेरा फर्स्ट चेक अगस्त 9 मिला था 220। दोस्तों एग्जैक्टली 20 साल के बाद देखेंगे, मैं जो 20 साल बाद क्या इनकम हो रहा मैं दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों 20 साल में स्ट्रगलिंग था हमारे लिए कम से कम 14-15 साल, मगर आप लोग लकी हो भाई, आप लोग लकी हो कि आप जब पांव रखे ना मोदी केयर में, तब मोदी केयर बहुत अच्छा दिन आ चुका था। आप लोग जिंदगी में स्ट्रगलिंग नहीं देखे, आप लोग स्ट्रगलिंग नहीं देखो, हम लोग स्ट्रगलिंग का मैंने जो 20 साल में 15 साल हम लोग स्ट्रगलिंग देखे थे, अभी देखो फिर भी 20 साल के बाद जो भी तकलीफ हम लोग टिक के रहे, 20 साल के बाद देखो क्या इनकम है, अमेजिंग अमेजिंग। 2,13,00,000 2018 की टोटल इनकम, अगर इसको मंथली एवरेज करके दिखाता हूँ, मेरा लास्ट 3 इयर्स का मैं इनकम दिखाना चाहता हूँ, एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए फैमिली इन लास्ट 3 इयर्स। अनुप क्या दिखाया अभी? 17 लाख पर मंथ। 2018 में एवरेजली मंथली चलता था 17 लाख समथिंग चलता था, मैं लिखा हूं 17 लाख। 2019 होते होते मंथ इनकम जंप कर लिया 23 लाख को। और 2000 अभी 20 हो गया, 3 महीना हुआ कमीशन मिला है, जनवरी 26 लाख, मार्च में थोड़ा लॉकडाउन की वजह से 33,000 ने कितना कम हुआ, तो एवरेज अभी चलता है 26 लाख की। ये मेरा दोस्तों आप सबसे मेरा सवाल है, अगर ये मोदी कर में ज्वाइन नहीं करता, बुरा वक्त में मोदी कर छोड़ के चला जाता, या अगर यहाँ एक्शन नहीं लेता,
क्या जो सब मुझे मिला जिंदगी में कभी पॉसिबल होता अनुप, कभी पॉसिबल होता? नहीं सर, बिल्कुल, वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी सर। अभी देखो नीचे क्या लिखा है, अनफॉर्चुनेटली मेरा 12 अपलाइन काम छोड़ दिए। बारह अपलाइन मेरा ऊपर में, उड़ीसा में 5 और इंडिया में 5-6। अभी देखो मैं दो चीज यहाँ बताना चाहता हूँ, मेरा अपलाइन जितने ज्वाइन किए थे उन लोग को लगा था बिजनेस चलेगा, कुछ ना कुछ उनका अच्छा लगा था जिसके वजह से उन्होंने ज्वाइन किए और कुछ लोगों ने ज्वाइन कराए, नहीं तो मैं उनका ग्रुप में कैसे आता। और जिस दिन उन्होंने काम छोड़ दिया ना, जिस दिन उन्होंने काम छोड़ दिए उनको यही लगा होगा कि नहीं यार ये बिजनेस बकवास है, बिजनेस चलेगा नहीं, तो ये सोच से छोड़ के चला गए। अगर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ठीक है वो बिजनेस नहीं करते कोई बात नहीं, अगर एक वॉशमेट एक बियॉन्ड ब्लू एक टूथपेस्ट खरीद करके रह जाते तो उनका बुरा क्या होता, लॉस क्या होता? मगर उन्होंने उतना सोच नहीं सके, छोड़ के चला गए। जानते हो भाई मेरा ऊपर में अगर मेरा कोई भी ऑफलाइन अगर सीनियर डायरेक्टर होता, मेरा अभी जितना फ्रंटलाइन है ना उनका 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 इनकम आ जाता कम से कम 170,000-180,000 तक आ जाता, मगर वो समझ नहीं सके छोड़ के चला गया। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ, चाहे बिजनेस आपकी समझ में आप नहीं आए, अगर आप ज्वाइन किए ना एक बार कभी बिजनेस को नहीं छोड़ना, क्योंकि बिजनेस कितना देगा जिंदगी में अभी कर हम लोग अंदाजा भी नहीं है दोस्तों। एनीवे जैसे अभी तक मेरा 18 जीबीडीज है मेरा ग्रुप में, जीबीडीज है और पैसिव इनकम, देखो ये बहुत अट्रैक्टिव चीज होता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। मैं अभी एक इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरा टीम की था, मेरा करीब था, आज दुनिया में नहीं है, ये दुनिया छोड़ के जा चुका है, उनका नाम है क्या लिखा है अनुप, चंदन पाल सर। हाँ, एनजीओ में जॉब करता था, तनख्वाह था 15,000, पार्ट टाइम में काम शुरू किया था ये बिजनेस को, एक्सपायर कर लिया दिसंबर 2018 में, यानी कि 1 साल 4 महीना हो गया दुनिया में नहीं है, 1 साल 4 महीना। अभी ये मोदी कर शुरू किया था मई 2017, अगर मई 2017 से दिसंबर 2018 कैलकुलेट करेंगे ये होता है 1 साल 7 महीना, 1 साल 7 महीना काम किया, ये कार क्वालिफाई किया, 2 फॉरेन ट्रिप किया, और तो अभी दुनिया में है नहीं, उनको बीबी को अभी मोदी कर कुछ मालूम भी नहीं है। अभी देखो उनका बीबी को हर महीना कितना मिलता है पैसिव इनकम, 50,000 से 17,000 रुपया मिलता है। यहाँ देखो ये मार्च का इनकम था उनका बीबी का 80,085। वाओ, मैं अभी आपको 3 सवाल पूछना चाहता हूँ, ये स्लाइड में मेरा आवाज सुना देता है? यस सर। पहला सवाल ये है, अगर ये चंदन जी एनजीओ में काम करते मोदी कर में काम नहीं करते, अगले गुजर जाने के बाद क्या एनजीओ वाला उनका परिवार को 15,000 करके तनख्वाह देता? नो, 15 रुपया भी नहीं देता। सेकंड क्वेश्चन, चंदन पाल जो डिसीजन लिए थे यहाँ काम करने के लिए, जी जान लगे काम किए थे, उनका डिसीजन भी सही था? और जो इंसान इनको मोदी कर में आने बोला था ना दोस्तों, वो इंसान के मुंह से कुछ आवाज निकला था जिसके वजह से चंदन जी का भी फैमिली सेट हो गया। देखो दुनिया की सच्चाई है दोस्तों, दुनिया की सच्चाई ये है, ये दुनिया में कई करोड़ों लोग ऐसे हैं हर महीना 10,000 से 50,000 रुपया कमाने के लिए रोज 8 से 10 घंटा और जिंदगी भर मेहनत करके तैयार है। अब ये लॉकडाउन की बात देखो ना, लॉकडाउन में ना जाने कितना कंपनी बंद हो गया, कितना लोगों की नौकरी चला गया, मगर फिर भी उनका बीबी काम नहीं करते हुए 80,085 रुपया लास्ट मंथ उनका चेक है लॉकडाउन के बावजूद भी। तो दोस्तों यही है बिजनेस की कमाल, याद रखना एक मोदी कर कंसल्टेंट जब लोगों के सामने बैठता है दोस्तों, जब ये मोदी कर कंसल्टेंट के मुंह से कुछ आवाज निकलता है सामने वाला का जिंदगी के परिवर्तन आ जाते हैं, उनका परिवार सिक्योर हो जाता है। याद रखना दोस्तों, इसको मांगने का बिजनेस है, देने का बिजनेस है, तो कभी हमेशा आप लोग अंदर में गर्व महसूस करना चाहिए कि मैं जाता हूं रोज जाता हूं एक एक इंसान की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए। बहुत बढ़िया। अभी सवाल है कि मुझे तो मिला, अभी आपको क्या मिलेगा? या लिखा गया अनुप, माय प्रेजेंट योर फ्यूचर। अभी दोस्तों जो मुझे मिला ना वही सब आपको मिलेगा, फर्क यही है मुझे 22 साल लगा, मगर आप लोग लकी हो मोदी करके सब सही सलामत सब कुछ रेडी है, आपको लगेगा 5 से 7 साल 20 लाख इनकम करने की। क्या बात, सुपर, राइट सर? थैंक यू सर, बहुत। आज मेरा मानना है दोस्तों, मेरा ही मानना है कि मेरा ऑफलाइन मेरा भगवान है, मेरा ऑफलाइन मेरे भगवान है दोस्तों। नहीं जानते कि ऑफलाइन क्या करके चला जाता है, जब एक ऑफलाइन अपॉर्चुनिटी देता है ना, हम लोग तो समझ नहीं सकते बिजनेस पावर क्या कि हमारा जिंदगी को बदला के चला जाता है। आज देखिए अभी 12 अपलाइन मेरा काम छोड़ने के बाद हिमन जी मुझे हिम्मत देते रहे, वो मेरा अपलाइन है बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर, आज 1.5 करोड़ के आसपास कमा लेते हैं।
ढाई करोड़ के मकान किए, इनका ये 22 लाख कर्जा था, 22 लाख कर्जा चुकाने के लिए आए थे मोदी कर को, कर्जा भी चुका दिए, 2.5 करोड़ मकान बनाए, 50 लाख की गाड़ी चलाते और इनकम आसपास 1.5 करोड़ के साल में, और ये हम सबके अपलाइन है सुरेखा जी, ये तो इन्वेंटर है आप, बस ये जैसे देखो दोस्तों मेरा तो यही मानना है, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ, अगर मेरा कुछ सीखना चाहते हो, कुछ याद रखना चाहते हो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, चाहे आपकी अपलाइन आपसे गरीब हो, कम पढ़े लिखे हो, बदसूरत हो, लेस इंटेलिजेंट हो, और हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, भगवान वही इंसान को भेजे थे आपके पास आपकी जिंदगी बदलाने के लिए। तो मेरा विनती यही है, अपने अपने अपलाइन को कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, कभी आज के बाद डिसरेस्पेक्ट नहीं करना दोस्तों, जितना आपका रिस्पेक्ट देना उनको दे देना, हमेशा याद रखना वो इंसान आया था आपकी जिंदगी बदलाने के लिए, भगवान उन्हें चूज किए थे आके आपको मैसेज देने के लिए। मैं यही चाहता हूँ आप सब अपने अपने अपलाइन के साथ जोरदार ताली लगा दो प्लीज, जोरदार ताली लगा दो, थैंक यू सो मच दोस्तों। जैसे ये मेरा अपलाइन है, जैसे ये मेरा अपलाइन है दोस्तों, ये भी आप लोग की अपलाइन है, अनुप जी, राजेश जी, थैंक यू सो मच सर। देखो अनुप, तुम्हारा जो मुझे इंट्रोडक्शन कराया, तुमने बहुत बोला मेरा बारे में, मगर सच यही है दोस्तों, मैं तुम लोग से बहुत कुछ सीखा हूँ, ट्रस्ट मी, तुम लोग से मैं इंस्पायर हूँ। सबसे रवीश जी का साथ जो मेरा मुलाकात होना कलकत्ता में पहली बार, पता नहीं मुझे क्यों इतना अच्छा लगे, मैं मीटिंग खत्म होता था बोला कि भाई यार तुम्हारा स्टाइल अच्छा लगता है, बात मुझे अच्छा लगता है, और मैं आज सबको बताना ही चाहता हूँ। आज जब राजेश के साथ जब मुलाकात हुआ ना दोस्तों, मुझे पता नहीं उनका स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम था, मगर जैसे लगा कि मुझे ये मेरा जैसे भाई जैसा है। थैंक यू सर। और आप लोग लकी हो भाई, ट्रस्ट मी, आप लोग लकी हो, आप रवीश जी की, राजेश जी की, अनुप जी की टीम पे आपको यही चाहता हूँ, थोड़ा इन तीनों के लिए थोड़ा जोरदार ताली लगा दो, 1 सेकंड। थैंक यू सो मच सर। मैं आप लोग कहीं बताना चाहता हूँ, आपकी अपलाइन के पास 2 साल आने वाला, सिर्फ 2 साल आने वाला, 2 साल इनका पास सरेंडर कर लो, ये जो बोलते हो वही करो, ये कभी बुरा आपका नहीं बोलेंगे, कभी आपका पैसा बर्बाद नहीं कराएंगे, ये जो बोलते वही करो, आप लकी हो, बार बार बोलता हूँ दोस्तों, आप लोग लकी हो कि आप रवीश जी की टीम पे हो, राजेश जी और अनुप जी की टीम पे हो। अरे आज मैं गर्व महसूस करता हूँ बताने के लिए, जब रवीश जी राजेश जी काम शुरू किए ना, तब पटना में जो बिजनेस था उसका 5 गुना 6 गुना 7 गुना 10 गुना इन्होंने बढ़ा दिए। तो दोस्तों रिपीट करके बताता हूँ, बार बार बोलता हूँ, रवीश जी राजेश जी अनुप जी जो बोलते हैं, आप सिर्फ 2 साल आज से लेकर 2 साल सरेंडर कर लो, गारंटी दे सकता हूँ 2 साल के बाद आपकी इनकम 3 लाख से 5 लाख पहुंच गया होगा। फिर आज मैं बताता हूँ कि सक्सेस आपके जिंदगी में गारंटेड है, गारंटेड, चाहे आज आपके पास कितना भी कर्जा क्यों ना, कितना भी तकलीफ क्यों ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों, आप कामयाब बनेंगे बनेंगे बनेंगे। यस सर। जो चीज आज आपको मिला, जो चीज आप लोग को मिला, वो चीज आपके दिमाग में आया था, ख्याल आया था 5 साल 7 साल 10 साल या 1 साल पहले, यानी कि दिमाग में जो ख्याल आता है, अगर आप काम करते हो वो ख्याल के साथ आप काम करते हो, एक ना एक दिन सच होगा। 2020 में अगर आज आप 10 लाख इनकम के टारगेट लेते हो दोस्तों, मैं गारंटी दिला सकता हूँ एक ना एक दिन आप लोग का 10 लाख इनकम तक पहुंचेंगे आप लोग, ये मैं वादा भी कर सकता हूँ, गारंटी। ओके तो दोस्तों ये देखो, आपके बीच में जो चीज जिंदगी में पाते हो ना, सबसे पहले आता है सोच, वो सोच के बारे में जब बार बार सोचेंगे आएगा डिजायर्स, और जब आप एक्शन लेंगे वो डिजायर्स का पूरा हो जाएगा। मगर मैं जो प्रोडक्ट मैंने परचेज नहीं किया, कारण 2 था, मुझे मोदी का प्रोडक्ट महंगा लगता था और मेरा पास पैसा नहीं था खरीद करने के लिए। अरे तुम तो लकी हो कि आजकल 100 ml का 250 ml का है, तब तक से आता था 1 लीटर वाला। ओके ये था मेरा पहला मंथ की, सेकंड मंथ मेरा देखो स्टार्टअप रिपोर्ट, सेकंड मंथ क्या दिखा रहा है अनुप, it was August 1998, it was also zero. जब 2 महीना मेरा जीरो हुआ, मैं क्या अपलाइन के पास गया, मैं बोला सर मेरा टीम में बहुत सारे लोग जीरो करते हैं, कि क्या होता है ना, तुम तो खुद जीरो करते हो, तुम तो प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। तो मैंने बोला कि प्रोडक्ट महंगा और मेरा पास पैसा नहीं। तो जब डेमो दिखाए मुझे, प्राइस कंपैरिजन दिखा दिए, डेमो जब दिखा दिए, तो मैं थोड़ा मेरा माइंड चेंज हुआ। मेरा थर्ड मंथ की स्टार्टअप रिपोर्ट देखो, थर्ड मंथ में मेरा पर्सनल व्यू कितना दिखा रहा है अनुप, it was 69, माने 70 से कम है। ये प्रमोद आचार्य जो 3 महीने के बाद
बीवी क्या नाइन, और मेरा नीचे देखो लोगों की क्या है, ऑल जीरो, ऑल जीरो, ऑल जीरो। दोस्तों तभी भी जीरो थे कुछ लोग, आज भी कुछ लोग जीरो है। तो आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ, आपकी स्टार्टरशिप पर देखे ना, जो आदमी जीरो वाला बैठा है ना, हो सकता है उनका बीच में कोई ना कोई प्रमोद आचार्य बैठा हो गया। क्या बात है, सुपर, ठीक है। आप लोग मेरा तजुर्बा बताना चाहता हूँ, आप लोग उसमें कोई 20 लोग नाम रैंडमली कोई 20 लोग के नाम चुनो, उनको फोन करो, फोन करके बताओ कि सर मैं मोदी तरफ से बोल रहा हूँ और मैं देखा कि आप ज्वाइन किए थे, और मैं जान सकता हूँ क्यों ज्वाइन किए थे, मैं आपको मदद करना चाहता हूँ, थोड़ा बताए क्यों ज्वाइन किए थे। वो कुछ ना कुछ बोलेगा, तो आप थोड़ा बता देना, कोशिश करना उसको डेमो दिखाने के, डेमो भेजने के लिए। दोस्तों चांसेस सही में गारंटी दे सकता हूँ 20 से 4 लोग आएंगे और एक आदमी मिलेगा आपका साथ फ्रंटलाइन लीडर बन, लीडर निकलने के लिए। ट्राई करके आप लोग देख सकते हो, मेरा जिंदगी तजुर्बा मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। ओके थैंक यू। और ये शुरुआत थोड़ा देखो, शुरुआत क्या होता है ना, हमेशा जिंदगी में सर आपकी वॉइस, सर आपकी वॉइस थोड़ी स्लो हो रही है। हाँ प्लीज, अभी क्लियर है? यस सर। देखो ये तो मेरा और लास्ट 2 स्लाइड है और 5-10 मिनट बाद मैं चला जाऊंगा और मीटिंग में ओवर होगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, शुरुआत एक जिंदगी हर चीज में शुरुआत एक होता है कि मिडिल पॉइंट होता है कि एंडिंग पॉइंट होता है। शुरुआत हमेशा एक्साइटिंग होता है, मिडिल का स्ट्रगलिंग होता है, आखिर में सक्सेस मिलता है। आप कोई पिक्चर की कहानी देख लो ना, कोई भी फिल्म की कहानी देख लो, हीरो मानो कि 2.5 घंटा का पिक्चर है, 15 मिनट हीरो हीरोइन का बहुत खुशी बसी चल रहा है, और बीच में 2.5 घंटा तक, मतलब 2 घंटा तक विलियन इतना हालत खराब करता है हीरो हीरोइन का, तो 2.5 घंटा पिक्चर में 2 घंटा स्ट्रगल करते हैं, लास्ट को थोड़ा 5-10 मिनट खुशी मिलता है। ये दुनिया की हिसाब देखो, आप अपनी मैरिज लाइफ देख लो ना भाई, जब नया नया हम लोग मैरिज करते कितना 4 महीना 6 महीना कितना एक्साइटिंग है, उसके बाद लगता है साला मैं क्यों शादी किया। फिर बीच में लोगों की अंडरस्टैंड ठीक ठाक हो जाता है, फिर अच्छा से जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ आखिर में कि थैंक यू देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा ये एक मिनट भैया, अभी मेरा फोटो दिखा दे रहा है? हाँ, बस मैं जो बताना था बता दिया। आखिर में आपको यही बोलना चाहता हूँ, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग मेहनत करने के बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिलता है, मगर हिम्मत नहीं हारना। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े भाई के नाते, दोस्त के नाते बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हम लोग की जो पिछले जन्म में कुछ कर्मा रहता है, कुछ डेस्टिन काम करता है, ये डेस्टिन होता है हम लोग की कर्म फला। हो सकता है कुछ पिछले जन्म का कुछ होगा जिसके वजह से हम लोग कोशिश करने पर भी कामयाब नहीं मिलता है। मैं आपको 3 तरीका बताना चाहता हूँ। अगर कभी आप अंदर से लगता है कि आप सब कुछ दे रहे हो फिर सक्सेस नहीं मिलता है, पहला काम में भगवान के पास कंप्लीटली 100% सरेंडर कर लो, पहला रूल, क्योंकि उनका निर्देश के बिना हम लोग सांस भी ले नहीं सकते। दूसरी, माँ बाप, आपकी माँ बाप और सास ससुर, माँ बाप सास ससुर जिनके लिए वजह से हम लोग दुनिया को आए, या हमारी बीबी आया, हमारा पति आया, वो 4 जन के लिए जितना करने का है आप ये जन्म में कर लो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं जितने लेडीज लोग आज में सुन रहे हो, मैं लेडीज को स्पेशली पूछ रहा हूं, आप लोग एक बार सोचो कि आपकी माँ बाप आपको 20 शादी होने तक कितना आपके लिए तकलीफ उठाए थे, आपकी सेवा किए थे, पढ़ाए थे, खिलाए थे, पहनाए थे, सब कुछ दिए थे आपके लिए, मगर शादी के बाद आप लोग भूल गए, अपने बीबी, अपने पति, अपने बच्चे, अपना परिवार में लग गया आप लोग। प्रश्न में लेडीज को कुछ बोलना चाहता हूँ, कभी हस्बैंड को बोल के 2-3 टाइम निकल के जाओ, माँ बाप के पास बैठो, पता नहीं उन्होंने कब छोड़ के चला जाएंगे, जाके बैठो, उनका गोद में सर रख के सो, बोलो थैंक यू मामा, थैंक यू बाबा, उन लोग के साथ उनका उनका दोस्त के साथ बात कराओ, उनकी मांग पूरा करो। मैं ये देखो, आपकी माँ बाप जितना भी खराब क्यों ना हो, उन लोग की दुआ आपको जरूरत है। और जो जेंट्स लोग आप सुनते हैं मुझे भी, मैं भी आपको यही बोलता हूँ, आपकी माँ बाप, आपकी सास ससुर, ये चारों के लिए, बस ये चार, आप अपने की चार के लिए बोलते हैं, मैं बात करना चाहता हूँ, उन लोग के लिए जितना सेवा करना सेवा कर दो, ये मेरा जिंदगी है दोस्तों, क्योंकि क्योंकि दोस्तों ये उनकी दुआ के बिना आगे जा नहीं सकते। मैं आपको जो अभी बताने जा रहा हूँ इट इज करेक्ट अप टू 99%, मेबी 1% मेरा गलत हो सकता है बात। आप लोग अपने अपने जिंदगी में आजमा करके देख लो,
अगर आपके पास पैसों की कोई कमी है चेक कर लेना आप, हो सकता है पिताजी का साथ या आपका ससुर का साथ आपकी रिश्ता अच्छा नहीं है। अगर आज घर में शांति नहीं है तो भी आजमा करके देख लो अपनी सास के साथ या माँ के साथ रिश्ता अच्छा नहीं। तो मेरा विनती है, ये रिक्वेस्ट है, ये आप लोग अपनी माँ बाप अपनी सास ससुर थोड़ा केयर कर लो, उनसे जो दुआ मिलेगा ना दोस्तों, चाहे कितना बड़ा रुकावट क्यों ना हो ना, भगवान की दुआ मिलेगा, माँ बाप सासुर दुआ मिलेगा। अगर इतना माँ बाप की सास ससुर की दुआ और भगवान की दुआ जिसके पास है ना, वो कभी हारेगा नहीं। हो सकता है उनको तकलीफ आएगा, मगर हर तकलीफ को पार होकर चला जाएगा। यस सर। अगर दोस्तों बस ये तो देखो बिजनेस के बारे में आप सब जानते हो, मैं यही आपको आखिर में मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है, समझ में आता है तो करो, समझ में नहीं आता फिर भी कर लो। जो वही मैसेज रिपीट कर रहा हूँ, अनुप जी, राजेश जी, रवीश जी, सुरेखा मैम, आपकी जो भी ऑफलाइन उनका पास सरेंडर कर लो। बहुत डायनेमिक लीडर आपके पास है, उनके पास सरेंडर करना और बिजनेस जो जैसे बोलते आपके लीडर ऐसे बता देना, ऐसे ही काम करना। भगवान के पास अभी से सरेंडर कर लो, भगवान के पास पहले माँ बाप सास ससुर के रिश्ता पहले क्लियर कराना। तो बस यही मैसेज देना था। अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते मुझे, अनुप कोई सवाल है तो मैं कंफर्टेबल, अगर आप कोई सवाल है तो पूछ सकता हूँ। सर आपने इतना बढ़िया हमें गाइडेंस दिया है, सवाल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, बस आपने हमें दिलों को नहीं छुआ, हमारी आत्मा को छू लिया सर। थैंक यू सो मच।